Good morning, dear student. As you know that we are studying our ninth chapter, Force and Laws of Motion. In our last lecture, we will discuss about the mathematical formulation of second law. So today's we start from here. The first law of motion can be mathematically stated for the mathematical expression of the second law of मोशन. जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अब हम उसे भी क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड लॉ से उसे भी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, या फिर एफ इक्वल टू क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है. और अगर एफ इंटू टी करेंगे तो ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, दैट इज़ वेन एफ इक्वल टू जीरो. जब एफ हो जाएगा जीरो, वी हो जाएगा तब क्या, किसके बराबर, यू के बराबर. फॉर वेदर टाइम टी इज टेकन, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू थ्रूट आउट द टाइम टी. इफ यू इज जीरो देन द वी विल बी ऑल्सो जीरो. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा. क्या था वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट. कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूविंग स्टेट में रहेगा या फिर तब तक इस रेस्ट के स्टेज में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसमें अप्लाई ना किया जाए. तो अगर हम यहाँ पर एफ इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तब वी इक्वल टू यू हो जाएगा. ठीक है, तो अगर वी यू इक्वल टू वी हो जाएगा, तो यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगातार उसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव होते रहेगी. अगर यू इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उस टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है. यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है. अगर u इक्वल टू नॉट जीरो है, तो तब वो मोशन की स्पीड में है. तो v और u क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऑब्जेक्ट लगातार मूव करते रहेगी सेम वेलोसिटी के साथ. ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में क्या रखें, f इक्वल टू जीरो रखें, तो जीरो इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v माइनस m u, या फिर जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ ले जाएं इस साइड में, जीरो के साइड में, तो ये हो जाएगा एम वी एम यू माइनस एम वी. यहाँ पे m से m अगर माइनस कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू वी ना. तो अगर u इक्वल टू अगर जीरो है, तो v इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो होगा. यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगी. कब, जब कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि f इक्वल टू जीरो है. और अगर u इक्वल टू नॉट जीरो है, वो जीरो नहीं है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी नॉट जीरो होगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं इन लॉज से. जैसे अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर टू 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, वट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम इसको किससे निकालेंगे,
हम इसको एफ इक्वल टू एम ए से ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन एंड प्रोवाइड अस विथ अ मेथड टू ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। जो फर्स्ट तो लॉज हैं वो हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं मोशन में। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि हम कैसे फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंटेंशियली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये लॉ हमें बताता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्टिव हैं और वो एक दूसरे को, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स बैक उस दूसरे ए ऑब्जेक्ट को लगाता है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और एंड बी, तो जितना फोर्स ए बी पे अप्लाई करेगा उतना ही बी वाला फोर्स ए पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, यानी कि वो ए में अप्लाई करेगा। द फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पर जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स किस पे अप्लाई होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होगा, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। इन द गेम ऑफ फुटबॉल समवन समटाइम वी वाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विद अ ग्रेट फोर्स कोलाइड विद अ प्लेयर इन द अपोजिट टीम बोथ फील हर्ट बिकॉज ईच अप्लाई अ फोर्स टू द अदर। क्या होता है जब कभी आपने देखा होगा फुटबॉल के ग्राउंड में क्रिकेट प्लेयर आपस में बॉल के लिए प्ले कर रहे होते हैं, तो अचानक से अगर एक खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी से अगर टकरा जाता है तो दोनों ही इसमें हर्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि केवल एक ही खिलाड़ी को लगी हो, दोनों खिलाड़ी इसमें हर्ट होते हैं। इन अदर वर्ड देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। तो यहाँ पर क्या पता चला कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट से कोलाइड हो रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अ पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा है। द टू अपोजिंग फोर्सेस आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो इन फोर्सेस को जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएगा उसको तो हम एक्शन फोर्स बोलेंगे, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट ने, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग पैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। 9.10 में आपको एक डायग्राम दिया गया है कि दो स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए, ठीक है। द फिक्स्ड एंड ऑफ द बैलेंस बी इज अटैच्ड विद अ रिजिड सपोर्ट लाइक अ वॉल। बी वाला जो है वो एक सपोर्ट में, उसको लगाया गया है वॉल के सपोर्ट में। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, जब ए वाले पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे खींचते हैं अपनी ओर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस हो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल। तो ये क्या है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो जितना फोर्स हम इस वाले ऑब्जेक्ट में, ए वाले ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई करेंगे या ए वाले स्प्रिंग में हम लगाएंगे, तो उतनी ही रीडिंग हमें यहाँ पर बी में भी दिखाई देगी, ठीक है। इट मीन्स दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी इज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। तो
तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, ए वाला जितना फोर्स बी में लग रहा है वो इक्वल है, लेकिन उतना ही फोर्स बी वाला भी लगा रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। वो बी जितना ए में लगाएगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा और इक्वल होगा जितना ए ने बी में लगाया। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर एज रिएक्शन। तो ऐसे फोर्स को, जो एक ऑब्जेक्ट का फोर्स है उसको हम एक्शन बोल सकते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लग रहा है उसको हम रिएक्शन बोल सकते हैं। दिस गिव अस एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या बोलता है, तो आप बोलोगे दैट थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए क्या होता है, एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हाउएवर इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिमिटेशनली। तो यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन वाले जो फोर्स हैं वो क्या लगते हैं, वो लगातार लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2 सेकेंड बाद लगेगा या फिर 5 सेकेंड बाद लगेगा। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तुरंत ही दूसरा ऑब्जेक्ट आप पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज दैट फोर्स, इट इज़ द मस्कुलर इफर्ट यू एग्जर्ट ऑन द रोड। जैसे ही आप क्या करते हैं, आप रोड पे खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में या रेस्ट की पोजीशन में, और आप क्या करना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं रोड के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, रोड के ऊपर। वो कौन सा फोर्स होगा, वो आपका मस्कुलर एफर्ट होगा। इज द मस्कुलर एफर्ट यू एग्जर्ट ऑन द रोड, क्या आपने मस्कुलर एफर्ट लगाया है रोड में चलने में। इन इट इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, क्या वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप मूव होना चाहते हैं। नो, यू पुश द रोड ब्लो बैकवर्ड। जब भी आप आगे की ओर चलेंगे तो आप क्या लगाएंगे, पीछे की ओर को एक फोर्स अप्लाई करेंगे। द रोड एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपको जो रोड है वो भी आप पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, जिसके वजह से आप क्या करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक रोड है और इसमें कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पैरों से बैकवर्ड मोशन की, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स ऑफ मैन हो गया। ठीक है, और जो रोड है वो रोड क्या करेगी, वो रोड इस आदमी में इस डायरेक्शन की ओर एक फोर्स लगाएगी, तभी तो आदमी आगे को चल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रोड। तो यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, दोनों की जो क्वांटिटी होगी या जो उनका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ मैन बैकवर्ड डायरेक्शन में है और जो फोर्स ऑफ रोड है वो कहाँ है, वो फोर्थ डायरेक्शन में या फिर आगे की डायरेक्शन में है। ठीक है, द रोड एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक मूव फॉरवर्ड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन थो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन
डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दे मे हैव अ डिफरेंट मास। तो जो ये फोर्स लग रहा है एक्शन एंड रिएक्शन का, वो क्या होगा, उसका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं लगाएगा, ठीक है। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें, जब हम रोड में चल रहे हैं तो हमारा मास कम होगा और जो रोड है उसका मास ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा। भले ही जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मासेस क्या हैं, डिफरेंस हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।